नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। निर्भय नगरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंब्रा के मुंब्रेश्वर महादेव मंदिर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर समाज सेविका रीदा रशीद द्वारा योगाभ्यास का रखा गया कार्यक्रम। इस मौके पर समाज सेविका रीदा रशीद ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज राष्ट्रीय योगा दिन है। 21 जून 2014 से हमारा योगा, जो हमारे राष्ट्र में या हमारे देश में जो योगा दिन हम योगा करते थे, तो 2014 के बाद इसको राष्ट्रीय दिन बनाया गया है। सारी जगह दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं होगा, दुनिया में ऐसा कोई लोग नहीं होंगे जो आज के दिन योगा नहीं करेंगे। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे योगा को मिला है, तो मैंने मुंब्रा में देखा है बहुत कम होता है। जैसे सर ने कहा, पहले बहुत होता था, कुछ कारणों की वजह से रुक गया है, लेकिन हम लोग वे 2-3 साल से योगा दिन मनाते हैं। इसलिए क्योंकि योगा से, जैसे मैंने सुना, मैं जहाँ भी कोई भी क्लासेस में वगैरह जाती हूँ, महिलाओं को खास करके बहुत फ़ायदा है योगा से। आप लोग ने, सभी लोग ने सुना क्या क्या फ़ायदा है, तो योगा सभी को करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हमारे को भी थोड़ा सुधार लेना चाहिए कि महिलाओं को योगा के लिए आगे लाए। कुछ काही टाइम ना बघित लो बरोबर सांगते, तुम्हाला सगळ्यांना नमस्कार आहे। छान करता आप लोग, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन कुछ बहनों को नहीं आता है, तो योगा होना चाहिए। हमारे नाखून से लेके बाल तक की बीमारी योगा के जरिए जा सकती है, हमें दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो ऐसा बहुत अच्छा है, आप लोग सभी आई, और कोशिश करूंगी कि ये योगा जो हम साल में एक दिन मनाते हैं, मुंब्रा में लगता है हम लोग एक ही जगह योगा दिन बनाया जा रहा है, तो कोशिश करना चाहिए हम सभी को कि योगा मुंब्रा में भी योगा दिन हो या पूरा साल हो, ये हमारे हर गलियों में, स्कूलों में, जहाँ भी सोशल जगह है वहाँ मनना चाहिए। तो आप लोग सभी आए, योगा दिन हमने साथ में मनाया। अब मैं बाकी के दिन भी, आज बहुत अच्छे दिन है, आज वट पूर्णिमा का भी दिन है, हम यहाँ योगा कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी बहनें पूजा करके वट पूर्णिमा भी मना रही है, और उसी तरीके से 3 दिन पहला ईद भी गया है। तो बहुत अच्छा अच्छा दिन, और आने वाला टाइम भी बहुत, बारिश का महीना चालू हुआ है, श्रावण चालू होना रहे, तो ये सब त्यौहार आएंगे, तो त्यौहार के साथ साथ हमें अपना फिटनेस भी याद रखना चाहिए। हमें, हमारे बहनों को एक रिक्वेस्ट है, अपने आप को भी टाइम दीजिए, एक 10-15 मिनट अगर हम सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है, मैं भी सुनते आई हूँ, मैं कुछ कोशिश करती हूँ करने का, लेकिन एक 10-15 मिनट हमें भी टाइम देना चाहिए अपने हेल्थ के लिए, घर से, बच्चों से, सभी चिंताओं से दूर होके हमारे हेल्थ को टाइम देना है। तो योगा से अच्छा कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आने वाले टाइम में मैं ज़रूर कोशिश करूँगी इनके साथ मिलके, बहनों के लिए योगा का जो ताई ने कहा है, योगा यहाँ से हर संडे चालू होने वाला है, तो मैं आशा वेलफेयर फाउंडेशन से भी कोशिश करूँगी, संस्था से, कि हम भी वहाँ पर कोई योगदान कर सकें और योगा को आगे बढ़ा सकूँ और बहनों को बीमारियों से दूर रख सकूँ। तो बस सभी आई बहनें, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग आते रहिए। आप लोग आओगे तो एक प्रोग्राम नहीं होता है, एक सक्सेस प्रोग्राम होता है, क्योंकि ये मैसेज दूर तक जाएगा कि इतनी बहनें जमी हैं। और आप लोग भी आए, साहिबान साहब का भी खूब खूब धन्यवाद। तुम लोग आए और आके हमें अच्छे अच्छे बातें समझाए योगा के बारे में। इसी तरीके से आप लोग आइए और हमें समझाइए, आज आए और अपने योगा दिन मनाने का हमारे साथ संधि लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को प्रातः 7 बजे आप शंकर मंदिर परिसर में योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया है आपने, क्या कहेंगी, क्या बताएंगे आप? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। देखिए, हमारे देश में योगा मतलब हमारे देश के लिए कुछ नया नहीं है, हम योगा मतलब हमारे देश से ही बाहर आया हुआ योगा है।
तो 2014 से जब से देश में सरकार आई, उन्होंने 2014 से 21 जून को राष्ट्रीय योगा दिन का दर्जा दिया। जब से एक दिन तो मनाया जाता है साल में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है साल के 12 महीना मनना चाहिए योगा दिवस, क्योंकि योगा हमने सुना है, आजकल के बड़े बड़े डॉक्टर्स भी बोलते हैं योगा रोज़ के एक हिस्सा बना लीजिए, रोज़ आप 10 मिनट 15 मिनट योगा को दीजिए, क्योंकि दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप योगा को अपने अंग से जोड़ोगे। तो योगा दिवस आज हमने मनाई, 2-3 साल से हम लोग मना रहे हैं हर्षा वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से। तो मुझे लगता है हम लोग साल में एक दिन तो जुड़ते ही है, साल में एक दिन मिलके योगा दिन मनाते ही है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हर हफ्ते हर महीने हर साल मनना चाहिए, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में कोशिश होगी कि योगा हर घर में पहुँचे। क्योंकि देखिए लोगों का कहना है कि हम कहीं ना कहीं हम पूजा करते हैं या हम हमारे रोज़ की एक्टिविटी करते हैं या मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, सभी में वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन क्या होता है वो चीज़ें अपनी अपनी जगह है और योगा एक अपनी जगह है। योगा के लिए जब हम बैठते हैं तो एक अपने उसी विचार में बैठते हैं। तो मुझे लगता है हर बहनों ने योगा करना चाहिए। योगा करते करते जो दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हमने अपने देखा जो योगा हमसे करवाया जो सर ने या हमारी मैडम लोगों ने, उन्होंने एक एक छोटे छोटे योगा के आसन के हमें उदाहरण दिए, उसके लिए होता है क्या चीज़ करेगा। लेडीज़ लोगों को यूट्रस प्रॉब्लम या वात का प्रॉब्लम, बॉडी पेन, ये जो तकलीफें हैं उससे कैसा उनको छुटकारा मिलेगा योगा करने से। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं भी सीख रही हूँ, बहनों को भी करना चाहिए, और हमें तकलीफ़ बहुत है जो हम हमारे लिए टाइम नहीं दे पाती है। तो आने वाले कल में मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा और हर घर की बहनों को बोलना पड़ेगा हमें दवा से दूर रहना है तो हमें योगा अपनाना पड़ेगा। आने वाले दिनों में मुंब्रा में योगा क्लास शुरू करने की का प्रयास करेंगे आप? देखिए योगा मैंने सुना, आप लोग ने सुना कि योगा पहले यहाँ चलता था, योगा यहाँ डेली क्लासेस होता था, लेकिन कुछ कारण और कुछ सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से योगा बंद हो गया है। नहीं तो मैंने मेरी बहनों को देखा, मैंने मेरी ताई को देखा, बहुत अच्छा योगा करती है, इतना अच्छा योगा कि मैं सोच नहीं सकती हूँ। आप देखो ये एक आम महिला है, उसने इतना अच्छा योगा किया क्योंकि पहला इन्होंने यहाँ से अभ्यास लिया हुआ है, पहला ये सीखी हुई है। तो मुझे लगता है हर बहनों को ये योगा करना चाहिए और योगा सीखना चाहिए और अपने जीवन से एक 15 मिनट अपने लिए, अपने जीवन के लिए, मेरी तंदुरुस्ती के लिए, मैं पूरी दिन लड़ूं अपनों के लिए, उसके लिए योगा करना पड़ेगा। और प्रयास होगा मेरा भी कि मैं योगा क्लास कोई भी खोलेगा या मैं खोलूंगी तो उसमें सबका साथ लेते हुए योगा यहाँ पर चालू कर सकें। धन्यवाद। Thank you.
नीचे बैठो, हमारी भजन मंडली कैसे आराम से बैठ के नीचे बैठ के कैसे फिर दो बार मौका देंगे और करेंगे, दोनों बच्चे जुड़े रहेंगे, आगे बन रहेंगे, हम नहीं ओंकार करके ओंकार के आगे बढ़ करेंगे और आपका जो गोमूल्य हुआ गोमूल्य दे दिया।